हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ वॉरियर। क्या आप भी खून की कमी से परेशान हैं और अपना खून बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब मैं बात करने वाली हूँ एनीमिया पे। एनीमिया का अर्थ शरीर में खून की कमी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा को बताता है। पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16 प्रतिशत होती है और महिलाओं में 11 से 14 के बीच होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको खून की कमी हुई है तो आप इसका पता कैसे लगा सकते हैं। आप इसका पता आपको आपकी स्किन का कलर वाइट होने लगेगा, आपके नाखूनों, जीभ और पलकों के ऊपरी हिस्से पे सफ़ेदी जैसे आने लगेगी और आपको कमजोरी, थकावट और चक्कर भी आने लगेंगे और आपकी सांसें भी फूलने लगेंगी। आपके चेहरे और पैरों में सूजन जैसी आने लगेंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि खून की कमी हमें कैसे हो सकती है। अगर हमें मलेरिया हुआ है तो मलेरिया के कारण हमारे लाल रक्त कण जो है नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसे मैं आपको मेन बात बताऊंगी कि जिससे आपको खून की कमी हो सकती है। खून की कमी हमें बहुत सारे कारणों से हो सकती है, लेकिन मैं आपको कुछ मेन बात बताऊंगी जिससे कि हमें खून की कमी हो सकती है। हम जैसे कि हमें कहीं पे चोट लगेगी या फिर घाव बनेगा, उससे खून निकलेगा, तो भी हमें खून की कमी हो सकती है। और महावारी के दिनों में भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने से हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। पेट के कीड़ों व परजीवों के कारण भी हमें खून की कमी हो सकती है। कि अल्सर से भी खून आए तो भी हमें खून की कमी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप खून की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, कि आप इसमें क्या क्या खा सकते हैं। आप इसमें अनार, अंजीर, संतरा, चुकंदर, भी हरे पत्तेदार सब्जियाँ, सेब वगैरह खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपसे आपको कुछ टिप्स मिली हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।